हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सो सिक्योरिटी में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आज। लास्ट जो हमने कवर किया था वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर था। आज हम कवर करेंगे रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी, राइट। अब इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, स्टेट से आपको समझ में आता है गवर्नमेंट, राइट। सो गवर्नमेंट इज इक्विवेलेंट टू स्टेट। तो गवर्नमेंट की जो भी से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेट्स से आप ले लीजिए कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, PSUs हैं हमारे पास, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या उनसे रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दैट कम्स अंडर द स्टेट। नॉन स्टेट एक्टर्स क्या हैं, जो स्टेट से इंडिपेंडेंट है, उससे एसोसिएटेड नहीं है। अब नॉन स्टेट एक्टर्स ना नॉर्मल अगर हम देखें तो मोस्टली उनको नेगेटिव कॉनोटेशन में लिया जाता है, जबकि नहीं। एनीथिंग विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्टेट इज अ नॉन स्टेट एक्टर। इट कैन बी अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अ बिजनेस कॉरपोरेशन, अ मीडिया हाउस, एन NGO, anything of that sort. But हम क्या पढ़ रहे हैं, हम वो पढ़ रहे हैं जो बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंजेस पोज करते हैं, राइट। तो वो नॉन स्टेट एक्टर्स कौन से होंगे, जो वायलेंस में इंडल्ज करते हैं, जो ड्रग माफियाज हैं या कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इंडल्ज करते हैं वो वाले माफियाज हैं, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं। सो ऑल ऑफ दोज आर नॉन स्टेट एक्टर्स बिकॉज दे पोज अ चैलेंज टू द इंटरनल सिक्योरिटी, और हम वो पढ़ेंगे, राइट। तो जो ये टॉपिक है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है दैट डील्स विद द एक्सटर्नल एक्टर्स, ठीक है, जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, ठीक है, टू द इंटरनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, राइट। सो आज जो हम लेक्चर फर्स्ट पार्ट है उसमें हम एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक ऑफ इट, ओके। देन अगर हम स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ द थ्रेट्स टू द नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। सो पहली चीज़ जो आपको जाननी है वो ये है कि जो ये थ्रेट्स हैं ना, ये इंटरकनेक्टेड है। अगर हम थ्रेट ऑफ टेररिज्म की बात करें, सो इट कम्स अलॉन्ग विद द थ्रेट ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ आर्म्स, क्योंकि टेररिज्म को फैलने के लिए आर्म्स तो चाहिए ही होंगे। तो ये दोनों थ्रेट एक तरह से इंटरमिंगल्ड हैं। सो वही हमने बोला कि ईच ऑफ द थ्रेट इज कनेक्टेड टू वन और मोर थ्रेट्स, ठीक है। सिमिलरली जो सी लेन्स की सिक्योरिटी का थ्रेट है, अगर उनको थ्रेट है तो एनर्जी सिक्योरिटी को भी थ्रेट हो रहा है, क्योंकि जो हमारे एनर्जी के लिए जो भी हम पेट्रोल या वगैरह यूज करते हैं, दे आर ट्रांसपोर्टेड वाया दो सी लेन्स, या फिर कभी कभी जो हमारी सी है वहां पर वी आर ऑल्सो ड्रिलिंग यू नो द सोर्सेज ऑफ द एनर्जी, ठीक है। सो उसका थ्रेट उससे भी रिलेटेड है। उसके बाद टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी कैसे, ये आज एवरीथिंग इज ऑनलाइन, राइट, एंड सो वी नीड टू प्रोटेक्ट दैट। अनदर थिंग इज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक द न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स, जो हमारे बैंक्स हैं, ठीक है। तो अगर हम उनको सिक्योर कर पा रहे हैं एंड इफ वी आर गिविंग देम द टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, तो तभी हम एक तरह से वी कैन स्टैंड एज अ यू नो डेवलप्ड कंट्री और मूव टूवर्ड्स दैट डेवलप्ड कंट्री टैग, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेचुरल जो डिजास्टर्स होते हैं वो फूड सिक्योरिटी को डैमेज करते हैं, और अगर फूड सिक्योरिटी नहीं होगी, ठीक है, सो इवन वी कैन नॉट रियली थिंक बियॉन्ड एनीथिंग एल्स, ठीक है। हम तो फूड सिक्योरिटी इज द मिनिमल वी शुड फॉलो और वी शुड गिव टू आर सिटीजन्स, ठीक है। सो एक तरह से आप जो ये एक बात ये समझ लीजिए कि डिफरेंट तरह की सिक्योरिटीज दे आर लिंक्ड, ठीक है। डिफरेंट तरह के जो थ्रेट्स हैं दे आर ऑल्सो लिंक्ड, ठीक है। तो वो आपको एक समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे जो थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी है वो कभी भी एक नहीं होगा, वो मल्टीपल थ्रेट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट लाइन है वो भी समझ लीजिए, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। अब लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स कौन से होते हैं, सो इट्स जस्ट अ टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं सियाचिन में, तो वहां पे नो पीस नो वॉर सिचुएशन है, कि पीस भी नहीं कह सकते और वॉर भी नहीं कह सकते, कुछ लो इंटेंसिटी का हो रहा है। तो ये तो हो गया एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल सियाचिन को लेकर। बट अगर अब लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया में भी आप ले लीजिए, बहुत ही ज्यादा ब्रॉड लेवल पे हो रहे हैं, तो वो जो है वो सोशल कोहेशन को भी डिसरप्ट कर सकते हैं, एंड दैट कैन ऑल्सो पोज अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेट्स के बारे में यहां पे हमें बताया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कि नेशनल सिक्योरिटी इज एक्चुअली कॉट इन अ कॉम्प्लेक्स स्पाइडर्स वेब अनलेस वी रिकॉग्नाइज दैट ईच स्ट्रैंड ऑफ दिस वेब इज कनेक्टेड टू अदर स्ट्रैंड्स, ठीक है।
जब तक हम ये रियलाइज नहीं करते कि इंटरकनेक्टेड है जितने भी स्ट्रैंड्स हैं, हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने या डिफेंड करेंगे अपने देश को. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू रियलाइज. उसके बाद एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्टिंक्शन है आजकल इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स में ना, वो ब्लर होती जा रही है. पहले क्या होता था, पहले एक्सटर्नल थ्रेट्स होते थे, लेट्स से आपको आपकी कंट्री को थ्रेट है फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम चाइना, ठीक है, इट इज़ देयर, है ना, एक्सटर्नल थ्रेट इन द कन्वेंशनल सेंस. आज क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, जैसे कि द कॉज ऑफ इंक्रीजिंग मिलिटेंसी इन J&K is attributed to Pakistan, to an external source. So we have internal security threats from external sources. So that is how the line between the internal and the external threats is blurring. That is how you can give an example. ठीक है, सो दैट इज़ देयर. उसके बाद ना कौटिल्या, ही एक्चुअली हैज़ रिटन इन हिज बुक अर्थशास्त्र दैट अ स्टेट कुड बी एट रिस्क फ्रॉम फोर टाइप्स ऑफ थ्रेट्स. वो कौन से हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नली एडेड इंटरनल एंड इंटरनली एडेड एक्सटर्नल. तो आप ये चारों हम पढ़ेंगे, एक तरह से एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे इनके. सो जस्ट गिव दीज थिंग्स अ थॉट कि कौन से इंटरनल थ्रेट्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं, कौन से एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, कौन से एक्सटर्नली एडेड इंटरनल है और कौन से इंटरनली एडेड एक्सटर्नल है. ठीक है, उसके बाद हम एक कोट करते हैं कि जो ग्लोबल रिस्क एटलेस करके एक रिपोर्ट आई थी 2011 में, उसने इंडिया को रेट किया था टू बी अंडर एक्सट्रीम रिस्क कैटेगरी ऑन सिक्योरिटी इश्यूज. ठीक है, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि इंडिया सेम टाइम पर मिलिटेंट इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट से थ्रेट फेस कर रहा है, एट द सेम टाइम नक्सलाइट से भी थ्रेट फेस कर रहा है. तो बहुत लेवल्स पे इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो रिस्क पर है. ठीक है, तो वो है. और उसके बाद अगर हम इलैबोरेट करें कि कौन से तरह के थ्रेट्स हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी इंडिया को है, तो हमारे पास ये सामने आते हैं, सेपरेटिज्म इन J&K, इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म इन द हिंटरलैंड, कम्युनलिज्म, काउंटरफीट एंड ह्यूमन आर्म्स एंड ड्रग ट्रैफिकिंग. तो ये एग्जाम्पल्स, आपको कभी भी क्वेश्चन आए ना कि चैलेंजेस क्या है इंटरनल सिक्योरिटी को, तो आप या तो ये लिख सकते हैं या पहले आप ये कौटिल्या का लिखकर उसके बाद उनको इन एग्जाम्पल्स को यहाँ पर फिट कर सकते हैं. ठीक है, बट वो करने से पहले आपको इन सब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. उसके बाद अगर हम इसका एक कीवर्ड भी देखें, सो वी हैव अ कीवर्ड दैट इज NCC डिच करके. ठीक है, आप इसको तुम फिल कर सकते हो. एन से क्या है, नक्सलिज्म, तीन सी आते हैं. ठीक है, तीन, एक आप ले लीजिए कम्युनलिज्म का, एक काउंटरफीट करेंसी का, एक साइबर सिक्योरिटी को जो थ्रेट, साइबर सिक्योरिटी है वो. ठीक है, ये जो साइबर सिस्टम्स को जो थ्रेट है. डी से क्या होगा, ड्रग ट्रैफिकिंग, इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट, टेररिज्म J&K में, और एच से ह्यूमन ट्रैफिकिंग. तो एक तरह से कीवर्ड है, याद करना आसान हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थ्रेट फ्रॉम एक्सटर्नल एक्टर्स. अब जब हम एक्सटर्नल एक्टर्स की बात करते हैं, है ना, हम दोनों की बात करते हैं, स्टेट और नॉन स्टेट. ठीक है, और पहले हम जो पहला एग्जांपल लेंगे चाइना, एक्चुअली में हम दो एक्सटर्नल एक्टर्स की बात करेंगे, चाइना एंड पाकिस्तान. और जब हम एक्सटर्नल एक्टर्स की बात करते हैं, हम दोनों स्टेट और नॉन स्टेट की बात करते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं चाइना से. तो चाइना का समझने से पहले ना हमें बैकग्राउंड समझना है कि कैसे हम परसीव करते हैं, शुरू से कैसे चाइना को हम एज अ थ्रेट परसीव करते हैं. ओके, सो अगर हम देखें तो जो इन्वॉल्वमेंट है ऑफ द चाइना, इट डिपेंडेंट ऑन, इज डिपेंडेंट ऑन द करेक्टर ऑफ द लीडरशिप, की लीडरशिप कैसी थी और चाइना में इंटरनल डेवलपमेंट्स क्या थी. तो हम तीन एरास में डिवाइड करते हैं, पहले है माओस, देन इज डेंग्स एंड देन इज द करंट. जो माओस एरा था ना, वो एक्सपोर्ट ऑफ रेवोल्यूशन था, कि उसमें क्या हुआ, चाइना एक्सपोर्ट कर रहा था जो रेवोल्यूशन था उनको ब्रॉड, जैसे कि माओइज्म को जो इंडिया में रिफ्लेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ नक्सलिज्म. दूसरा जो फेज आया वो डेंग्स पीरियड था, दैट इज ऑफ स्लो डाउन. ठीक है, उसमें क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया गया. सो द पॉलिसी ऑफ रिफॉर्म एंड ओपनिंग सब ऑर्डिनेटेड, जो रेवोल्यूशनरी और एंटी इंपीरियलिस्ट एलिमेंट्स थे ना, वो कम हो गए इन द फेवर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, ये डेंग्स पीरियड था. देन वी हैड द करेंट फेज, दैट इज रिवाइवल बट डेलिकेट बैलेंस. अब क्या है, अब जो चाइना है ना, दैट जो रिलेशनशिप है वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे. ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल उनकी मिलिट्री इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है, नेशनल विल, सोशल कोहेसिवनेस. तो जो भी चाइना जिसके साथ भी रिलेशनशिप देख रहा है तो इन सब चीज़ों पे वो उसको जज कर रहा है. सो चाइना की जो इन्वॉल्वमेंट है ना, वो एक तरह से आप बायलेटरल रिलेशंस की बात करते हैं. पहले क्या था, पहले माओ एरा और डेंग एरा होलिस्टिक थे कि माओ एरा में एक्सपोर्ट ही हो रही है रेवोल्यूशन और डेंग एरा में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही हो रही है. अब क्या है, अब एक तरह से बायलेटरल है, ठीक है. और यही है कि इफ द स्टेट टू स्टेट रिलेशंस आर गुड, है ना, देन चाइना विल नॉट सपोर्ट द इंसर्जेंसीज अगेंस्ट दैट कंट्री, सिंपली पुट, ठीक है. सो ये तीन फेसेस है जिसमें हम डिवाइड करते हैं. उसके बाद अगर हम इश्यूज की बात करें तो हम इश्यूज में डिस्कस करेंगे बॉर्डर इंट्रूशंस फ्रॉम चाइना, है ना. सबसे बेसिक है कि जो चाइना है उसके बहुत टाइम से टेरिटोरियल एम्बिशंस काफ़ी असर्टिव रहे हैं, ठीक है. काफ़ी स्कर्मिशेस होती रहती हैं इंडियन और चाइना में, बॉर्डर स्कर्मिशेस होती रहती हैं, ठीक है. और ये कहाँ से मैनेट होता है कि चाइना ने ना एक नोवेल मेथडोलॉजी डिवाइस करी है ऑफ इंट्रूडिंग इनटू द इंडियन टेरिटरी. कैसे, कि वो डिफाइन ही करता है कि LAC कहाँ पर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दैट इज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, दैट हैज नॉट बीन डिफाइंड, ठीक है. तो एक तरह से लूज हैंड है वो, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है जो हमने देखनी है वो ये है कि चाइना अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बॉर्डर एरियाज पे इम्प्रूव कर रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, ठीक है, स्पेशली इन टिबेट एंड ऑल अलोंग द इंडियन बॉर्डर. और जो इंडिया है वो काफ़ी स्लो है इन क्रिएटिंग द रिक्वायर्ड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है. सो दैट इज़ देयर. और जो चाइना है उसके जो एम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो बढ़ते ही जा रही हैं. चाइना रिसेंटली सेड अरुणाचल प्रदेश टू बी अ पार्ट ऑफ साउथ टिबेट, ठीक है. डोकलाम वाज अ रीसेंट एग्जांपल 2017 में. अब डोकलाम में क्या हुआ था, बेसिकली चाइनीज ट्रूप्स ने स्टार्टेड अ रोड कंस्ट्रक्शन इन डोकलाम. नो डोकलाम एक टेरिटरी है, अगर हम ये डोकलाम कहें तो यहाँ पर वी हैव टिबेट, यहाँ पे वी हैव सिक्किम एंड यहाँ पे वी हैव भूटान, ठीक है. और यहाँ पे बेसिकली चुम्बी वैली है टिबेट का भी अगर हम पार्ट देखें. तो ये जो डोकलाम है ना, दैट इज क्लेम्ड बाय बोथ चाइना एंड भूटान, ठीक है. सो व्हेन चाइना स्टार्टेड अ रोड कंस्ट्रक्शन, भूटान ने सीख करी इंडिया की हेल्प, ठीक है. और एक तरह से आपने सुना भी होगा लास्ट ईयर डोकलाम स्टैंड ऑफ वॉज इन न्यूज एंड देन चाइनीज इवेंचुअली विदड्रू, है ना, और प्रॉब्लम वॉज नॉट देयर, इट नेवर एस्केलेटेड. बट बात वही है कि जो डोकलाम की जो पोजिशन है, ठीक है, इट इज़ वेरी नियर टू द चुम्बी वैली. ये यहाँ पे चुम्बी वैली है, ठीक है, ये सिक्किम है, दिस इज अ सिलीगुड़ी कॉरिडोर, है ना, एंड दिस इज भूटान. सो डोकलाम इज समवेयर हेयर क्लेम्ड बाय बोथ चाइना एंड भूटान. सो बात यह है कि अगर डोकलाम चाइना के अंडर इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाएगा तो इट वुड हैव रेपरकशंस फॉर इंडिया ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ इट टू द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है. बिकॉज सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज समथिंग विच कनेक्ट्स द होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट टू द इंडिया मेनलैंड, ठीक है. तो ये सब चीज़ें हैं. सो ये चुम्बी वैली है, ये उसका मैप है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ प्रॉब्लमैटिक. तो बेसिकली आप ये ले लीजिए कि चाइना जो है वो ऐसे ऐसे स्कर्मिशेस करता ही रहता है. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, चाइना ने फिर ये भी बोला है कि बॉर्डर जो पेट्रोलिंग है, ठीक है, वो एक सर्टेन डिस्टेंस ऑफ द LAC, अगर हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये बनाए, तो ना यहाँ पे चाइना करेगा और ना यहाँ पे इंडिया पेट्रोल करेगा, ठीक है. दैट हैज़ बीन देयर. बट इसको ना ये कहा जाता है कि इंडिया के जो डिफेंस प्रेपरेशंस हैं उनको फ्रीज करने के लिए है, कि चाइना वुड तो कंटिन्यू बट इंडिया एक तरह से थोड़ा लैक्स हो जाएगा, सो दैट चाइना इज इन अ स्टेट ऑफ परमानेंट मिलिट्री एडवांटेज ऑन द बॉर्डर्स, ठीक है. सो दैट इज देयर. उसके बाद अभी हमने देखा कि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है LAC के अराउंड, जो इंडिया है वो नहीं कर रहा है ना. तो इंडिया अब जब नहीं कर रहा, इनफैक्ट इंडिया की जो साइड है वहाँ पे बेसिक रोड्स भी नहीं है, ठीक है. चाइना हैज़ डेवलप्ड लाइक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया की साइड पे बेसिक रोड्स भी नहीं है. तो इस वजह से जो मिलिट्री एडवांटेज है वो ऑब्वियसली चाइना को जाती है. तो इंडिया ने भी अपना स्टार्ट करी है डेवलपमेंट अलोंग दी LAC, ठीक है. और इससे क्या होगा, जो सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी है चाइना की, उसको भी एक सेटबैक मिलेगा. अब अगर हम सलामी स्लाइसिंग की बात करें, सलामी स्लाइसिंग क्या है, इट इज़ स्मॉल स्टेल्थ मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट द नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, विच एक्यूमुलेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन लार्ज टेरिटोरियल ग्रीन, ठीक है. आप बेसिकली ना थोड़े थोड़े एरियाज को लेते रहते हो. चाइना क्या कर रहा है, अपनी नेबरिंग कंट्री से थोड़े एरियाज को ले रहा है. उससे क्या हो रहा है कि जो नेबरिंग कंट्री है ना, अब वो वॉर, दे आर टू स्मॉल टू लीड टू अ वॉर विद द नेबरिंग कंट्री, के जो एरिया लिया है वो बहुत ही छोटा है टू लीड टू अ वॉर, बट इट इज सिग्निफिकेंट इनफ टू स्टम्प द नेबर,
कि नेबर को पता भी चले कि उनका एरिया लिया है, एंड टू स्टम्प हिम, टू शॉक द नेबर कि उसको नहीं पता कि वो कैसे और कितना रिस्पॉन्ड करे. सो दिस इज अ सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी, और इसीलिए सक्सेसफुल हो पा रही है क्योंकि इंडिया की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लैकिंग है, ठीक है. बट इंडिया ने अब स्टार्ट करा है टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ द सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी ऑफ द चाइना, ठीक है. सो इसके बारे में आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं. इनफैक्ट हम बॉर्डर मैनेजमेंट वाला जब टॉपिक करेंगे हम उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे. सो ये जो टॉपिक है ना, द रोल ऑफ द एक्सटर्नल एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, इट इज़ एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ टॉपिक्स, और आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है, ठीक है. सो इस पर अगर क्वेश्चन आ गया तो इस फ्रेमवर्क पर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट इशूज. अब ऐसा भी कहा जाता है कि इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें चाइना हमेशा ही कुछ ना कुछ यू नो चाहे फंड्स की फॉर्म में या फिर किसी फॉर्म में हेल्प करता है जो वहां पे जो ग्रुप्स हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जैसे MNF, ULFA, उनको फंडिंग देता है, ट्रेनिंग देता है या आर्म्स प्रोवाइड करता है. बट चाइना हैज ऑलवेज डिनाइड दैट, एंड इंडिया ने भी कभी इसको बहुत स्ट्रांगली परसू नहीं किया. बट देर आर इशूज देर एज वेल, राइट, एंड दे कैन पोज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. देन नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी इशूज. तो ये भी कहा जाता है कि चाइना can actually you know intrude into our information systems, ठीक है. सो वी नीड टू प्रोटेक्ट them, और इसको प्रोटेक्ट करने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम जो हमारी डिपेंडेंस है ऑन द चाइनीज फॉर लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और पावर उसको कम करें. और इनफैक्ट NTRO एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो भी अलर्ट करती रही है सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को अबाउट द डेंजर फ्रॉम द चाइनीज साइबर अटैक्स, ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो देयर. देन फाइनली पाकिस्तान एंगल क्या है. पाकिस्तान एंगल आपको पता ही होगा कि चाइना और पाकिस्तान, देयर हैंड्स इन ग्लव. चाइना हैज़ बीन सपोर्टिंग पाकिस्तान, ठीक है, एंड दैट इज सीन एज अ थ्रेट टू इंडिया, ठीक है. अब क्या है, चाइना एक तरह से आप ले लीजिए डिफेंस कोऑपरेशन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है फॉर मिसाइल टेक्नोलॉजी, ठीक है. चाइना इज ऑल्सो डेवलपिंग द ग्वादर पोर्ट, है ना. सो ऑल दीज थिंग्स दे पोज अ थ्रेट, ठीक है. अभी सीपेक बनाया उन्होंने, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है दैट इज पासिंग थ्रू POK, सो दैट इज ऑल्सो सीन एज अ थ्रेट एंड इंट्रूजन इन टू द सॉवरनिटी ऑफ आर कंट्री, के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर विच इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, वहां पे आपने इकोनॉमिक कॉरिडोर कैसे बना लिया, ठीक है. सो यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट CPEC here. ओके. देन इंडियन ओशन रीजन. इंडियन ओशन रीजन में भी चाइना ऑफर्स कि वो अपने नेवल बेसिस बनाए, है ना. और अभी आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स लिख सकते हैं इसमें कि श्रीलंका में हम बन तोता बना रहे हैं, ग्वादर बना रहे हैं, एंड ऑल दैट, ठीक है. सो यू कैन राइट दैट. सो प्रेजेंट सिनारियो अगर हम बात करें तो चाइना पहले ना एक कन्वेंशनल वॉरफेयर में बिलीव करता था. अभी दे हैव अडॉप्टेड पाकिस्तानी मॉडल. वो क्या है, सब कन्वेंशनल वॉरफेयर स्ट्रैटेजी, कि आप आउट एंड आउट एक वॉर नहीं, वॉर लाइक सिचुएशन में नहीं हो, आप एक सटल लेवल पे यू आर, जिसे आप कह लो, खोखला कर रहे हो इंडिया को, जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, प्रोवाइडिंग फंड्स एंड ऑल टू द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उसी लेवल पे जैसे एस्पिनाज कर रहा है चाइना, है ना, इन यूटिलाइजिंग द स्पाइस साइबर स्पेस अगेंस्ट इंडिया. तो इस लेवल पे पाकिस्तानी मॉडल पे इट इज ऑपरेटिंग. तो अगर हम कंक्लूजन देखें तो देखो, ये जितनी भी इश्यूज हैं, इंडिया नीड टू अडॉप्ट अ स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म and to deal with these issues. And India has refrained from adopting an aggressive posture on the borders, okay? And has agreed to maintain peace regardless of the differences and all. So that is the way to it. और जो बाकी threats हैं उनको एक structured way में हमें deal करना है. Next जो हमारा external जो threat है, that is threats from Pakistan, right? अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान जो एंटी इंडिया रिटोरिक था वो प्रेवलेंट था राइट फ्रॉम द टाइम इंडिया गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस. और इवन जो विलिफिकेशन कैंपेन है वो तेज ही हुआ है अगेंस्ट द इंडिया, है ना, अगेंस्ट इंडिया एंड इन इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, ठीक है. सो दोनों के अगेंस्ट जो एक तरह से रिटोरिक है दैट हैज़ बीन देयर. और नेक्स्ट ये कहते हैं कि इवन जब बांग्लादेश वॉज सेपरेटेड, है ना, जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंस मिला उसको पाकिस्तान से, सो जो इंडिया एंटी इंडिया रिटोरिक था वो और भी ज़्यादा तेज़ हो गया. तो ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो एंटी इंडिया फॉरेन पॉलिसी है दैट हैज़ गेन्ड मोमेंटम एवर सिंस, राइट. सो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज वन थिंग, ठीक है, ट्रांसनेशनल टेररिज्म कह लीजिए इसको, या जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है दैट हैज़ बीन देयर. And that
is there along with anti-India propaganda to mislead and sway the loyalties of the border population. ठीक है, सो जो border पे लोग रहते हैं basically उनकी जो loyalties हैं उनको ख़त्म करने के लिए है. और जो intensification है that is there to target India to destabilize it और जो भी हमारी border management policies हैं उनको fail करने के लिए. अब जो टैक्टिक्स और टेक्निक्स हैं वो यही है कि लोकल पीपल आर यूज्ड एज अ शील्ड. ठीक है, सो दैट शुड बी न्यूट्रलाइज्ड. ठीक है, दैट शुड बी न्यूट्रलाइज्ड. और ऐसा कहा जाता है कि आफ्टर अफगानिस्तान माइट यू नो अमेरिका माइट विदड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान कम्प्लीटली तो और इश्यूज जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे. ठीक है, सो दैट इज़ देयर. सो द आइडिया इज दैट द ऑफेंसिव agenda of Pakistan ISI to promote international terrorism and subvert India is expected to intensify. ठीक है, और वही है कि vigorous efforts are there to revive militancy in Punjab. ठीक है, insurgent groups जो north eastern part में है उनको भी they provide help. ठीक है, so there is help provided by the terrorist organizations across the border. Then next is Pakistan's internal dynamics vis-a-vis India. ठीक है, so इसके बारे में अब इसकी अगर हम बात करें तो ये है कि इंटरनल जो डायनमिक्स है पाकिस्तान के पंजाबी दे डोमिनेट. ठीक है, और उसके बाद दे आर यू नो दे हैव दिस असॉल्ट ऑन द लेस जिसकी लेस परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जैसे सिंधीज की और बलूचिस की. ठीक है, वो ठीक है पंजाबीज डोमिनेट ऑन देम. देन दी एथनिक पुल्स बिटवीन पख्तूनस विच आर देयर ऑन बोथ साइड ऑफ द पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर. ठीक है, तो ये कुछ डायनमिक्स हैं, इंटरनल डायनमिक्स हैं जो इवन इंटरनल सिचुएशन को फ्लेयर अप कर सकते हैं पाकिस्तान में और उसके जो रेपरकशंस हैं वो दिखते हैं हमें इंडिया में. ठीक है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर भी इज़ नोटोरियस फॉर यू नो क्राइम्स लाइक आर्म्स ट्रैफिकिंग स्मगलिंग इस्लामिक फंडामेंटलिज्म. तो जो ISI है वो यूज़ कर रहा है इनको टू यू नो फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ इस्लामिक टेररिस्ट और फिर उनको ट्रेन वगैरह करके दे आर इवेंचुअली डिप्लॉयड इन JNK. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द इंटरनल डायनमिक्स आर पोजिंग अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. देन देर आर सर्टन ग्लोबल इकोनॉमिक आउटवुड्स. ठीक है, सो अब इसमें क्या है हमारे अब ग्लोबल इकोनॉमिक आउटवुड्स कैसे अलकायदा तालिबान. ठीक है, और अभी ISIL. ठीक है, जिसको इस्लामिक स्टेट ISIL कहा जाता है या ISIS कहा जाता है या देश कहा जाता है. ठीक है, सो वो सारे जो है वो भी इमानेट हो रही हैं यहीं से, थ्रेट्स इमानेट हो रहे हैं. उसके बाद ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्या है, अगेन वही कि यहाँ से हमारे पास काउंटरफीट करेंसी आती है, नारकोटिक्स आते हैं बिकॉज गोल्डन क्रिसेंट इज नियर. ठीक है, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन स्मगलिंग एट्सेट्रा और इवन जो समझौता एक्सप्रेस है दैट इज़ यूज फॉर गन रनिंग एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स और ड्रग ट्रैफिकिंग में यूज़ होता है. ठीक है, उसके बाद गुजरात एंगल क्या है, गुजरात एंगल ये है कि जो गुजरात है ना दैट इज़ अ कोस्टल स्टेट, वहाँ पे क्रीक एरियाज हैं. अब वहाँ पे क्या है, टेरेन है थोड़ी डिफिकल्ट है, क्लाइमेटिक कंडीशंस थोड़े डिफिकल्ट हैं और हजार्डस नेचर है ऑफ द सी एंड क्रीक्स. ठीक है, सो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी डिफिकल्ट हैं. तो और जो हमारे पास BSF है, जो उसके पास रिसोर्सेज है वो कम है. ठीक है, टू मीट दीज चैलेंजेस. ठीक है, तो उसका भी फ़ायदा उठाया जाता है बाय द पाकिस्तानीज. ठीक है, उसके बाद इमिग्रेंट्स इशू, इमिग्रेंट्स आर देयर है ना, इमिग्रेंट्स आते रहते हैं, इलीगल इमिग्रेशन इज राइफ. उसके बाद प्रेजेंट सिनारियो वही है कि पाकिस्तान एक तरह से मल्टीपल थ्रेट्स पोज करता है नॉन स्टेट एक्टर्स एक्सट्रीमिस्ट से, देन दे आर सपोर्टेड बाय टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स विच आर ऑपरेटिंग थ्रू सीक्रेट नेटवर्क्स बेस्ड विद इन द कंट्री. ठीक है, सो यही है. अब क्या है, अब द पोटेंशियल ऑफ दीज ग्रुप्स दिस इज अंडर एस्टिमेटेड एट टाइम्स. ठीक है, तो यही है कि हमें इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. वी शुडंट यू नो टेक दीज पॉजेज, देर आर सर्टन टेक्टिकल पॉजेज कि टर्मिनेशन हो गई और एज अ साइन ऑफ विक्ट्री वी शुड बी यू नो एक तरह से अलर्ट एट ऑल टाइम्स, राइट. और उसके बाद पाकिस्तान के अगेन इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जैसे कि द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन हैंडलिंग द एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स और जो एजुकेशन है वो सेक्युलर नहीं है, एक तो मद्रासा सिस्टम है. उसके बाद इवन जो सेक्युलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो भी रेडिकलाइजेशन कर रहा है. देन द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट इन हैंडलिंग द एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, न्यूक्लियर आर्म्ड फेलिंग स्टेट कहा जाता है इसे. ठीक है, सो दैट कैन पोज अ ग्रेट डेंजर. देन द नेक्सस बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान. ठीक है, उसके बाद ये कहा जाता है कंपेयर टू पाकिस्तान चाइना पोजेस लेस थ्रेट. ठीक है, बट दोनों अगर मिल जाएंगे तो दैट इज अ ग्रेव सीरियस कंसर्न. ठीक है, सो दैट इज देयर.
सो कंक्लूजन में यही है कि हमें जो हमारा वी नीड टू प्रिपेयर फॉर द हार्ड हिटिंग प्री एम्प्टिव स्ट्राइक प्लान्स, ठीक है, और इंडिया को भी अपनी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है, अपनी जो फोर्सेस हैं, उस सबको स्ट्रांग करना है. तो अब अगर हम जेनरिक एक वे फॉरवर्ड देखें कि एक्सटर्नल जो सोर्सेज हैं उनके अगेंस्ट, एक्सटर्नल जो थ्रेट्स हैं, एक्सटर्नल जो एक्टर्स हैं, उनके अगेंस्ट हम कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो पहला है नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन. अब नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो प्रपोज है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए. नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन क्या है कि आप जितने भी आपके मिलिट्री यू नो डायमेंशंस हैं, डिप्लोमेटिक डायमेंशंस है, सोशल पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज को इकट्ठे करके एक ऐसी एक डॉक्ट्रिन बनाया जाए टू यू नो जिसमें सारी डायमेंशंस को कंसिडर किया जाए और एक डॉक्ट्रिन बनाया जाए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. सो दैट इज व्हाट नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन इज, विच इंक्लूड्स ऑल द डायमेंशंस, ठीक है, बी इट मिलिट्री, बी इट डिप्लोमेटिक, दैट इज इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, सब कुछ मिलाकर. फिर प्रोएक्टिव विजिलेंस होना चाहिए. फिर आफ्सपा है, ठीक है, आफ्सपा जो है उसको और ज़्यादा यू नो अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है. देन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन दी एजेंसी, सर्च इंजन्स एंड सोशल मीडिया कंपनीज, राइट. एंड देन इंडिया नीड्स टू मूव टूवर्ड्स अ लीनर आर्म्ड फोर्स, ठीक है, कि हम टेक्नोलॉजी और AI का जो रोल है वो बढ़ाएं. हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उसमें टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बढ़ाएं, ठीक है. सो दैट इज देयर. देन नेटग्रिड. नेटग्रिड क्या है? नेटग्रिड बेसिकली है कि जितनी भी कोर इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, ठीक है, उनके जो डेटा बेसिस है उनको कनेक्ट कर दिया है वाया नेटग्रिड. तो इससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी जो फोर्सेज हैं या जो एजेंसीज हैं वो इसको ट्रैक कर पाती हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे अपडेशंस हो रही हैं, सो दे कैन ट्रैक, है ना. तो एक तरह से डेटा बेसिस को कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है. उसके बाद CCTNS है, दैट इज क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम. ये क्या है? ये है इफेक्टिव पुलिसिंग थ्रू ई गवर्नेंस. अगर आपको एक लाइन में इसको डिफाइन करना हो, दिस इज इफेक्टिव गवर्नेंस, सॉरी इफेक्टिव पुलिसिंग थ्रू ई गवर्नेंस. सिमिलरली पॉलनेट करके सैटेलाइट बेस्ड पुलिस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है, ताकि जो पुलिस टेलीकम्युनिकेशन है उसको और मॉडर्नाइज किया जाए. CIBMS क्या होता है? टेक्नोलॉजी और जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उसका एक तरह से कल्मिनेशन, ठीक है, ताकि जो इन्फिल्ट्रेशन है वो कम्प्लीटली हम खत्म कर पाएं कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है. दैट इज कॉम्प्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, और ये पाकिस्तान बॉर्डर के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है. उसके बाद अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो UAVs का यूज़ किया जाए, बॉर्डर इंफ्रा डेवलपमेंट, ठीक है, और रेगुलेटेड फ्लो होना चाहिए क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट का. देन कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रीन को भी एक तरह से अडॉप्ट करना चाहिए. अब देखो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन क्या है, जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था 2011 में, तो उसके बाद इंडिया ने जब रिटेलिएट करना चाहा तो बहुत ही स्लो मूवमेंट थी, बहुत ही स्लो मोबिलाइजेशन थी, एंड इट टुक अ मंथ. तो उसके बाद क्या हुआ, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी ना, इट स्टार्टेड टू इंटरफेयर. तो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन यही है कि अगर आपके ऊपर अटैक होता है तो आप बहुत फास्ट मोबिलाइजेशन करें बिफोर यू नो एनी इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरफेयर्स. और ये बेसिकली इट इन्वॉल्व्स कन्वेंशनल वेपन्स ओनली, और सिंस पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है तो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन की ये भी डायमेंशन आ जाती है कि आप अटैक करें विद कन्वेंशनल वॉरफेयर, है ना, कन्वेंशनल वॉरफेयर, नॉट इवन न्यूक्लियर, ताकि जो दूसरी कंट्री है वो न्यूक्लियर वॉरफेयर से भी रिटेलिएट ना कर पाए. और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट मोबिलाइजेशन है बिफोर एनी इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरफेयर्स, ठीक है. उसके बाद CDS की बात करिए कि इंडिया का CDS होना चाहिए, विच इज सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर, ठीक है. उसके बाद इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स होने चाहिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के. इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो अडॉप्शन ऑफ CCIT, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है. रेजोल्यूशन 2322 क्या है? UNSC की रेजोल्यूशन है, ठीक है, बेसिकली ऑन द इशू ऑफ काउंटरिंग एसिमेट्रिक थ्रेट्स टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. और जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी रोल इन्हांस करना चाहिए आपको, जैसे कि इंटरपोल है एंड UNODC है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल थ्रेट्स. तो पहले हमने समझा कि थ्रेट क्या होता है, ठीक है, टू द नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है. उसके बाद एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल में स्टेट और नॉन स्टेट दोनों, और हमने चाइना और पाकिस्तान की बात करी है, क्या क्या थ्रेट पोज करते हैं वो. और उसके बाद वी हैव कंक्लूडेड इन अ होलिस्टिक मैनर कि अगर आपको एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात आ जाए तो ये आप वे फॉरवर्ड में ये 3-4 जो पॉइंट्स हैं ये आप लिख सकते हैं, ठीक है. वी हैव एक्चुअली यू नो क्यूरेटेड देम एट वन प्लेस, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सो द सेकेंड पार्ट वुड बी हैविंग द इंटरनल
threats from the internal actors, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक